सबसे पहले तो जो पिछले कल देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, और जिस तरह लाल किला जो कि एक राष्ट्रीय स्मारक है जहां पर आजादी के बाद से ही देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता है, वहां पर किसी भी समुदाय धर्म या फिर पंथ का झंडा फहराना आजाद भारत के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है जो कि कड़ी निंदा के लायक है। अगर हाँ यहां पिछले कल तिरंगा झंडा फहराया गया होता तो शायद आज भी देश के अधिकतर लोगों को उनके साथ सहानुभूति होती और ये समझा जाता कि उन्होंने भारतीय सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करने के लिए ऐसा किया। लेकिन पिछले कल 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस के दिन वही सब हुआ जो सिक्स फॉर जस्टिस और उससे जुड़े संगठन चाहते थे। लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी देश के सांप्रदायिक माहौल को ना बिगाड़ें और ऐसी पोस्ट या कमेंट या शेयर मत करें जिससे देश का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्वक और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े, वरना जो असली किसानों का मुद्दा है वो तो हल होगा नहीं, उल्टा उन्हीं किसानों और पुलिस के जवानों का बड़ा जानी और माली नुकसान होगा। और जो लोग असल में हिंसा भड़का रहे हैं वो तो बड़े आराम से बचकर निकल जाएंगे, मगर जो बीच में कुछ निर्दोष लोग बैठे हैं वो इसका शिकार बन जाएंगे। मेन टॉपिक पर आने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और तिरंगा सर्वोपरि है, जिसके आगे ना कोई धर्म, ना समुदाय और ना ही पंथ। फिर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या और कोई धर्म या उसका झंडा भी क्यों ना हो, इसीलिए देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगा अपने स्थान पर सबसे ऊंचा लहराता रहे, इस बात को सुनिश्चित करना हर भारतीय का कर्तव्य है। बात आज के मेन टॉपिक की करें तो बेशक पिछला कल ज्यादा बुरे कारणों के लिए याद किया जाएगा, मगर पिछले कल कुछ ऐसी भी चीजें हुई जो कि एक भारतीय होने के नाते आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगी, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को ही चौंका दिया है। इसी महीने की 16 तारीख को जो भारतीय सरकार ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था वो अब अपने पूरे चरम पर है, और जिस तरीके से भारत इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहा है वो दुनिया में सबसे तेज, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग मेथड साबित हो रहा है। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत बाकी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के मुकाबले कई हफ्ते लेट हुई, जिसको लेकर भारतीय सरकार पर काफी उंगलियां उठाई जा रही थी और खासकर इंटरनेशनल मीडिया भारत की कड़ी आलोचना कर रहा था और भारत पर नजरें गिराए बैठा था। मगर अब भारत ने दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए कोरोना वैक्सीन के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल आर वर्ल्ड इन डेटा नाम की एक वेबसाइट जो कि पूरी दुनिया में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ट्रैक कर रही है, उसके मुताबिक भारत ने सबसे तेज 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों की वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया है, जिसको पूरा करने में भारत को मात्र 10 दिन का समय लगा है, जिसके बाद भारत ने टोटल वैक्सीन लगाने के मामले में फ्रांस, इटली और अब जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि जर्मनी, फ्रांस और इटली जो कि बड़े ही डेवलप्ड देश हैं और वहां की हेल्थ फैसिलिटीज भारत के मुकाबले काफी मजबूत हैं, इन तीनों ने अपने देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पिछले साल की दिसंबर 27 को शुरू कर दिया था, और आज की डेट में जहां ये देश एक महीने में नहीं पहुंचे, भारत वहां पर मात्र 10 दिन के अंदर ही पहुंच गया है। आज की डेट में भारत से ऊपर 4 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अमेरिका ने अपने 1,90,00,000, ब्रिटेन ने लगभग 65 लाख, इजराइल जो कि एक छोटा सा देश है उसने 26 लाख, यूएई ने 23 लाख, तो वहीं भारत ने 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। भारत की बात करें तो भारत ने पहले 10 लाख लोगों को 6 दिन में वैक्सीनेट किया था और अगले 10 लाख लोगों को 4 दिनों के अंदर अंदर, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। और अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो अगले 4 दिनों में भारत यूएई और इजराइल को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा और अगले 1 महीने में ब्रिटेन और अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर। वैसे कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी भारत की ऑपोजिशन पार्टीज ने आम जनता को काफी भयभीत करने की कोशिश कर दी थी। वैसे अपना नंबर आने पर क्या आप कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।